हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो हमारे घर में चूड़ियाँ वगैरह हम लाते हैं या फिर ये कड़े के छोटी छोटी डिबियाँ होती हैं, जैसे ये डिब्बी है, कड़े रखने वाली डिबियाँ होती हैं, हम लोग कई बार इसको प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल समझ के फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, इसको फेंकिएगा नहीं और इसको अपने आप गार्डन में यूज़ करो। आपको इसके लिए सबसे पहले तो इस डिब्बी को, ढक्कन को अलग कर कर इसके अंदर गरम सिलाई से ऐसे होल कर लीजिए। इस तरीके से ढक्कन अलग करने के बाद मैंने इसमें गरम सिलाई से होल कर लिए हैं। और एक ये कड़ा रखने वाली डिब्बी है, ये देखिए, इसमें भी मैंने कुछ इसी तरीके से गरम सरिया वगैरह गरम कर कर इसके अंदर भी मैंने होल बना लिया है। और मैंने जो प्लांट्स लिए हैं ये भी अपने ही मैंने गार्डन से लिए हैं। मैंने इसके अंदर ये मनी प्लांट लिया है जो बहुत ही आसान तरीके से पानी में लग जाता है। इस DIY में कोई भी खर्च नहीं है। प्लांट भी आप अपने गार्डन से ले सकते हैं और ये डिब्बा भी है, ये भी फ्री में है। और ये पानी जिसके अंदर ये प्लांट मैं लगाऊंगी, इसके ऊपर आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना मिट्टी की ज़रूरत है। ये इसके अंदर आप सबसे पहले जो ये आपने सुराख किए हुए हैं इसके अंदर मनी प्लांट को लगा दीजिए एक एक कर कर। इसके लिए ये देखिए, इस तरीके का मनी प्लांट आप लीजिए जो नोट एरिया से हो और जिसकी छोटी छोटी सी ये देखिए ऐसे जड़ें निकली हों, बिल्कुल छोटी छोटी, जो इजी तरीके से इसमें लग जाएंगी इन सुराख के अंदर। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप इनको इसके अंदर डाल दीजिए, बहुत ही आसानी से ये इसके अंदर चली जाएंगी। आप इस तरीके से एक एक ये मनी प्लांट को लेते जाइए और इसके अंदर लगाते जाइए। ये देखिए, इस तरीके से सारा मनी प्लांट इसके अंदर ये चला जाएगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से लगाने के बाद, हाँ, ये देखिए, इसके अंदर आप पानी डाल दीजिए, पूरा इसको भर दीजिए। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से पानी में भर के और इसका ढक्कन इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, फ्री में कितना सुंदर प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। इसको चाहे आप अपने गार्डन में रखिए, चाहे अपने ड्राइंग रूम में रखिए, और आप इसको अपने किचन में भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अपने बालकनी गार्डन में रखूंगी। ये देखिए, मैंने इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया है। ये पीछे मेरे पूरे बालकनी के प्लांटर रखे हुए हैं। ऐसे ही ये मैंने बोतल में वाय बनाया हुआ है और इस तरफ मैंने ये गर्ल बनाई हुई है। ऐसे ही बोतल में बनाकर मैंने इसके अंदर चेन प्लांट लगाया हुआ है। ये देखिए, ये मेरे बालकनी में रखा हुआ कितना सुंदर प्लांटर लग रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही एक ये डिब्बी है जिसके अंदर कड़े थे, उस वो ये भी वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको भी गरम सरिया करके इस तरीके से सुराख कर लिया है। और इसके अंदर भी मैं पानी भरकर, इस तरीके से पानी भरकर इसको मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए, और इसके अंदर ये मैं स्पाइडर प्लांट लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही आसानी से ये पानी में लग जाता है। ये देखिए, एक और प्लांटर बनकर तैयार हो गया है डिब्बी में, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ये भी फ्री कॉस्ट में तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, ये बची हैं अब ये 2 डिब्बियाँ। अब इनका क्या करना है, इनको भी टेरिस
गार्डन में ले जाकर देखते हैं कि इनके साथ क्या किया जाए। चलिए चलते हैं अपने टेरिस गार्डन के ऊपर। फ्रेंड्स, आप अपने गार्डन में इन डिब्बियों का और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास कुछ ये सीड्स पड़े हुए हैं अपराजिता के, विंका के और मॉर्निंग ग्लोरी के। अब ये सीड्स मैंने ऐसे ही कटोरी में डाल के रखे हुए थे, तो अब मैं इनको इस डिब्बी में इस तरीके से डालकर रख लूँगी ताकि जब भी मुझे प्लांट लगाने हो तो मुझे बहुत ही आसानी से ये सीड्स मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे इनके ऊपर। चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं कौन कौन से सीड्स आपने इसके अंदर रखे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा गुलाब का फूल निकला हुआ है और इधर ये जरबेरा का फूल निकला हुआ है, इधर ये पिटूनिया निकली हुई हैं और ये देखिए तितलियाँ, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी पिटूनिया निकली हुई हैं। ये देखिए, आपको ये मेरी वीडियो वेस्ट ऑफ मटेरियल पे पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।